पापा को घोड़ा बना दियो। क्रिकेट खेलते खेलते इसके पापा घोड़ा बन गए। आरती लो, अच्छे से लो, अच्छे से ले लिया। हाँ वो भी आई है, हमारी चाची जी आई हुई है। हाँ तो इसलिए अभी हम दोनों माँ बेटा स्टेशन जा रहे हैं। देख माँ भी भावुक हो गई थी, माँ कह रही थी उन्हें याद आ गई थी अपने पिताजी की। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी फिलहाल आए हुए हैं छत से हम लोग, और छत पर जो हम लोग को शूट कर रहे थे रील वीडियो सब। और यहाँ क्रियांश जो है सो करके उठ गया है, और दादी माँ इसको संभाल करके रखे हुए थी तब तक हम लोग रील शूट कर रहे थे। जैसे खत्म हुआ उठ गया वाह। तो जिया जो है अपना देख रहे हैं तैयार थी, जो भी कोलैबोरेशन का कपड़ा सब आया हुआ था वो सब जो है अपना सूट सब कर रही थी। हो गया काम? जब अपना काम हो गया तब इसको लेकर के जाते हैं नीचे। बाय, ठीक है। तो नहीं करने दोगे? इसको हम लेकर के जाते हैं नीचे, तो अपना ड्रेस चेंज कर लो, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और क्रियांश जो है नीचे आ गए, और दादी का आज फास्ट है। तो क्रियांश इतना ज्यादा बदमाशी कर रहा है, देख सकते क्रियांश को डाइनिंग टेबल पे बैठ के एकदम कुछ कुछ खा रहा है। क्या खा रहा है भैया? किशमिश खा रहा है। किशमिश खा रहा है? तो क्रियांश एक बिस्किट जो है कम से कम एक हफ्ते खाता है, उसके बाद वो बिस्किट को भूल जाता है। दादी का नंबर मतलब क्रियांश जो है ना नंबर को ब्लैक लिस्ट या किसी में डाल दिया। और माँ का मोबाइल जो है क्रियांश हमेशा ले लेता है, माँ को किसी से बात ही नहीं करने देता है। बाप को खरीदना होगा, काम में करेगा ना, जिसके बाप को देना होगा। झाड़ू मारू, झाड़ू वाला शॉट बता दें ना, अच्छा लगेगा। छक्का मार दिया क्रियांश तो। Few moments later. क्या चल रहा है भैया? घोड़े पे बैठ रहे हो? पापा को घोड़ा बना दियो। क्रिकेट खेलते खेलते इसके पापा घोड़ा बन गए। बॉल अंदर चला गया है। The next day. सुबह के बज रहे हैं 8, और नीचे मैं चलती हूँ। नारियल बिस्किट का पैकेट दे दीजिएगा। कॉफी दीजिएगा एक, वो जो आता है डब्बा आता है छोटा सा। कितना बड़ा हुआ? तो अभी बाहर आए हुए थी जी, आए हुए थे अपना साइकिल लेकर के। देखे होंगे हमेशा बाइक लेकर के घूमते हुए निकलते हैं, फिर आप साइकिल देख रहे हैं तो सोचा है कि अपना थोड़ा सा वेट जो है लूज किया जाए। वेट आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ऑलरेडी कम है, तो वेट तो मुझे भी लगता है कम है, लेकिन जो है थोड़ा सा टमी बाहर आ गया है, तो उस टमी को अंदर करना है। तो अब से लोकल जो दूरी रहेगा 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का साइकिल है यूज किया करेंगे। साइकिल में तो हवा भी नहीं था बिल्कुल, लगता है इसका 1 साल हो चुका होगा, और मुश्किल से 3-4 दिन चला होगा साइकिल। तो अब जो है इसको यूज करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कितना दिन तक कंटिन्यू रह पाते हैं। बाकी जिम जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है जी, हम लगभग 4-5 बार जिम जा चुके हैं, और हर बार छोड़ करके आ जाते हैं, तो इसलिए पहले इससे शुरुआत करते हैं साइकिल। तो आ गए जी मार्केट से, और मार्केट से जो है क्रियांश के लिए बिस्किट आ गया, तो क्रियांश अपना बिस्किट खा रहा है। मांगे हम दिया है, खाली पापा को देता है ये बिस्किट। मन नहीं है बस ले लो। अच्छा दे रहा है, वाह वाह वाह, परिवर्तन आ गया आज से। वाह 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 वाह। One hour later. और यहाँ क्रियांश का जूस जो है तैयार हो चुका है, और क्रियांश कब से जो है इसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि कब मिलेगा उसको, देख सकते हैं। ये ग्लास लेकर के आया क्रियांश। जय आरती लो, अच्छे से लो, अच्छे से ले लिया। ऐसा हाथ से लोटा आरती लो, उसका सब हाथ भगवान देखे मैं ले लिया। बोलो जय जय कर बेटा, जय।
मार मत देना हमको। अब क्रियांश का होगा मालिश, तो मालिश करने के बाद जो है अब नहाएगा, और ठंड का समय है और मालिश के बिना अब इसको नहाना नहीं है, है ना। अच्छे से करी से मालिश हो जाएगा इसका, और इससे जो है मालिश से भागने जाए कहीं आखिर, क्योंकि दिन भर मालिश ही होते रहता है। तो वहाँ पर टीवी चल रहा है, कार्टून भी देख रहा है, इधर मालिश भी हो जाएगा। A few moments later, क्रियांश की मालिश हो गई। तो क्रियांश की मालिश होगी, अब जाएगा क्रियांश नहाने के लिए। चलो क्रियांश, ये नंगा हो गया क्रियांश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहा लो पहले, उसके बाद कपड़े पहन लेना। One hour later, तो फाइनली क्रियांश सो गया है, और बहुत ही राहत की खबर है यह। और क्रियांश का जो आज अच्छे से मालिश किया था, और बहुत ही कड़े हाथ से मालिश किया था, ताकि वह जो है जल्दी सो जाए। लेकिन क्रियांश सोया उसी समय जब क्रियांश को अपने टाइम पर सोना था। तब तक जो है खूब उधम मचाया, खूब अपना बैट बॉल खेला, और उसके बाद जब सोने चला गया है, और अब जो है आ जाएगी खाना खाने के लिए। और हम तो खाना पहले ही खा लेते हैं, देखिए जी, पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं दिन में। हाँ, इसी बात के लिए कल भी डांट लगी है, हो सकता है आज भी लग जाए। अच्छा, लेकिन आज माफ कर देते हैं, तो कल से अगर ये रूटीन दोहराएगा। अच्छा, फिर सुन लो, बहुत बढ़िया। मेरी देवरानी जो दिल्ली में रहती है, हाँ वो भी आई है, हमारी चाची जी आई हुई है, तो इसलिए अभी हम दोनों माँ बेटा स्टेशन जा रहे हैं, उसको छोड़ भी देंगे और मुलाकात भी कर लेंगे। बिल्कुल जी, तो हम लोग कुछ देर में चलते हैं, हम नहाए भी नहीं अभी तक, जल्दी से जाकर के नहा लेते हैं, नहा करके चलते हैं, नजदीक ही है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। 20 मिनट्स लेटर, हम आ गए स्टेशन, और यहाँ पर अपनी चाची सबसे मुलाकात कर ली है, अपने भाई सबसे मुलाकात कर ली है, अपने नाना जी सबसे मुलाकात कर ली है, और मम्मी से बैठ करके अपना चाय पानी नाश्ता सब चल रहा है यहाँ पर। और ट्रेन के आने में जो है लगभग अभी समय है, 1 घंटे के करीब है, तो यहाँ पर हम लोग बैठेंगे और अपना समय व्यतीत करेंगे। तो कुछ देर सभी लोग जी यहाँ पर बैठे, और अब यहाँ से जा रही है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और सब लोग आ गए हैं जी यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, और यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। क्या बोलना चाह रही है बताओ? नाना जी भी आए हम छोड़ने के लिए। अच्छा, हाँ हाँ, हमारे नाना जी, हमारे चाचा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, सबसे मुलाकात भी हो गई। अच्छा अच्छा, भी लग रहा है बिल्कुल। तो सभी लोगों को जाना है जी दिल्ली, और यहाँ से लगभग 24 घंटे का सफर रहेगा, और उम्मीद करते हैं यात्रा अच्छा रहे, मंगलमय रहे सब। हाँ, लगा रहता है तो रिलेशन बरकरार रहता है, स्थायी हो जाता है, तो उस परिवार में चलते रहता है, भगवान की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर। तो मेरा परिवार सब हमेशा यात्रा में रहता है, और हम लोग, मेरा परिवार बिल्कुल मिलजुल के सब रहते। सही बात। फिर बारी आई थी विदाई की, और विदाई के वक्त जो है सभी लोग भावुक हो गए थे। हमारी चाची जी जब विदा हो रही थी तो काफी ज्यादा भावुक हो गई थी, उनकी आंखों में जो है साफ आंसू झलक रहा था, और साथ में उनके पिताजी भी भावुक हो गए थे, जो कि हमारे नाना जी लगे। तो मेरी मम्मी भी जो है उन दोनों बाप बेटी को जो है इस तरह से रोते देख, माँ भी भावुक हो गई थी, माँ कह रही थी उन्हें याद आ गई थी अपने पिताजी की, जो हमारे नाना जी लगे, कि जब भी वो आया करती थी अपने गाँव से यहाँ पर कटिहार, और नाना जी जो है इसी तरीके से भावुक हो जाया करते थे, और कहते थे कि पिताजी आप चले जाइए, हम चले जाएंगे, लेकिन जी जो है जब तक गाड़ी नहीं खुलती थी वहाँ से विदा नहीं होते थे। One hour later. तो सभी को छोड़ करके जी आ गए हैं घर, और जिया यहाँ पर तैयार हो रही है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4:00, और इसी समय जो है हम लोगों का रील शूट हो जाता है, और कुछ समय बाद जो है अंधेरा भी हो जाएगा। और क्रियांश जो है फिलहाल अभी सोया हुआ है, तो हमारे पास मौका है कि जल्दी से कुछ वीडियो सब शूट कर लिया जाए, और उम्मीद करते हैं जी आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आप, और हाँ जी हमारे वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।